Hello guys, this is Karmvir Rajput. Welcome back to my channel, The Beginner. Thank you for your love and support. आज की वीडियो है थोड़ी डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर. रिक्वेस्ट किस चीज़ की है कि जो भी नए बंदे आते हैं, जैसे कि अभी साइन ऑफ हुआ किसी दूसरे बंदे का, उसका रिलीवर आएगा, कोई नया बंदा आएगा, जो भी बंदा घर जा रहा है वो क्या करते हैं मोस्टली, अपना जो भी है ना कैबिन है, कैबिन ऐसा कैसा छोड़ देते हैं पूरा गंदा का गंदा. और जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है, जो उसका रिलीवर आ रहा है, जो उसकी जगह आ रहा है, वो क्या करेगा बेचारा, पूरे दिन ट्रैवलिंग करके आएगा, पूरा दिन मतलब उसका जो पूरा का पूरा दिन है वेस्ट ही जाना है, पूरा थका हुआ आएगा. आके फिर वो रूम देखेगा, रूम देखने के बाद पूरा उसको नीट एंड क्लीन करेगा, उसके बाद उसमें एडजस्ट होगा. तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो सीफेयर्स है, जो भी मर्चेंट नेवी में है, जो भी इस फील्ड में है ना, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, कि प्लीज़ जब भी अपना रूम हैंड ओवर करो, साइन ऑफ आपका, तो ना एक काम करना, अपना रूम जब भी हैंड ओवर करो पूरा नीट एंड क्लीन करके दो. प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से. इससे क्या है कि जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है, जो रिलीवर है, जो भी आपकी जगह आ रहा है, ओएस एबी कैडेट, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी इंजीनियर हो, उसमें क्या है कि आप जो भी हैंड ओवर लेगा उसको ना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आएगा थका आ रहा बेचारा, बैग रखेगा अपना, रेस्ट कर लेगा. अगर आप कैबिन को क्लीन हैंड ओवर नहीं देते तो क्या है, वो आएगा बैग रखेगा पूरा नीट एंड क्लीन करेगा, उसके बाद आपको रेस्ट करेगा. मेरे साथ भी ऐसी मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है. क्या हुआ कि रूम पे आया, पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकला, रूम पे आया तो सोचा क्या जाके रेस्ट करेंगे, जाके आके देखा तो पूरा कैबिन जबरदस्त गंदा पड़ा. उसको साफ़ करने में कम से कम एक डेढ़ घंटा लगा, डेढ़ घंटा आराम से लगा. उसको क्लीन करा, सारे जो बेडशीट पिलो वगैरह हर चीज़ चेंज करा, पूरी अलमीरा चेंज करी. चेंज करने के बाद उसके बाद जाके थोड़ा रेस्ट मिला है. तो रिक्वेस्ट है जब भी आप कभी साइन ऑफ हो आप लोगों का, कभी भी कहीं भी साइन ऑफ हो या साइन इन हो, अपने फ्रेंड्स को बोलना कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज़ नीट एंड क्लीन करके हैंड ओवर करें, ताकि जो भी नेक्स्ट बंदा आ रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो. अभी मैंने छोटी सी क्लिप मैं डाली है, वो थोड़ी स्पीड में डाली है, देखना उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना गंदा था रूम और उसके बाद नीट एंड क्लीन होने के बाद कैसा हुआ रूम.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर वॉचिंग। आपके सब फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जितने भी जो भी मेम्बर है सबको ये वीडियो दिखाओ और उसको उन सबको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ताकि जो भी नेक्स्ट बंदा है उसको प्रॉब्लम ना हो। इससे क्या है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे तभी जाके थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।